बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, क्या हाल है आपका? अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे और आपके गार्डन को महकता रखे। जैसे कि अभी बाहर आ चुकी है और बाहर के मौसम में हर किस्म के फूल जो है वो खिले हुए हैं, फलदार दरख्त, ख़ासकर ड्राई फ्रूट्स जिसमें आलू बुखारा, आड़ू, खुबानी, नाशपाती, सेब, अखरोट, बादाम, उसके अलावा सिट्रस में सारी वैरायटियां फूलों से भरी पड़ी हैं। और अभी आपकी जो नज़रों के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है आलू बुखारा, प्लम। हाँ जी, अब ये देखें, आपको इसके पत्ते कम और फूल ज़्यादा, ये दरख्त फूलों से लदे हुए हैं। इस तरह आड़ू भी भरा हुआ है। ये ब्लॉसम का टाइम है और ब्लॉसम के टाइम पे ये हर चीज़ अपनी महक दिखा रही होती है। पहले ये हमें फूलों से हमारी नज़रों को मुअत्तर करते हैं, हमारे जहनों को मुअत्तर करते हैं, नज़रों को खूबसूरत लगने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या कुछ पैदा नहीं किया। और शायद इन्हीं चीज़ों के बारे में ही अल्लाह ताला का फरमान है, फ़ाबी ये आला रब्बिकुम अतुकज़्ज़िबान। दोस्तों, ये फल फूल पौधे हमारे इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं और ये खूबसूरतियाँ, ये हमारे जिस्म की तवानाइयाँ इन्हीं की दम से हैं। लगाना पौधा बहुत आसान है। आजकल मौसम है, आजकल मौसम में लगाएं। और आजकल जो ग्राफ्टेड प्लांट मिलते हैं, अभी आपने लगाए और उसी साल ही उसी सीज़न में ही ये फल देना शुरू कर देते हैं। आप फरवरी में मार्च में लगाएं, आपको ये फूलों वाले फल वाले पौधे भी मिल जाएंगे। और ये फरवरी में फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं, मार्च में फुल ब्लूम पे होते हैं, उसके बाद इसके पत्ते आ जाते हैं और इसका साथ साथ फल शुरू हो जाता है। अप्रैल मई में इसका फ्रूट जो है वो शुरू हो जाता है। देखभाल इसकी आसान है, आम गोबर खाद इसमें डालें, नरम मिट्टी हो, आराम से उग जाता है। पानी भी आम दरख्तों की तरह, आम फलदार की तरह आप इनको लगाएं और आसानी से ये आप घरों में उगा के इसका फल खाएं। ये देखें, ये इसका फल, बहुत करीब से मैं इसके फूल आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी एक हफ़्ता पहले इसमें आपको पत्ता नज़र नहीं आता था और अभी जो टाइम है, अभी इसकी फूल की पत्तियाँ गिरेंगी और इन गिरने के बाद इसका ये फूल जो है वो फल में तब्दील हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ के ये हमारे लिए अल्लाह ताला का एक ख़ज़ाना जो अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बंदोबस्त किया हुआ है, ये हमें मिल जाएगा। खूबसूरत फूल और फूलों से भरा दरख्त, ये देखें, बिल्कुल एंड से ले कर जहाँ तक आपको इसकी शाखों में पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये फूलों से भरा हुआ पौधा, जिधर भी देखेंगे फूल ही फूल और ये कुदरत के रंग। हाँ जी दोस्तों, आलू बुखारा प्लम, और कई लोगों में इसको लोग शफ्तालू भी कहते हैं। और इसमें एक ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है आम रेड वाला, और इसमें एक जो है वो आजकल आ रहा है जिसके पत्ते भी ब्लैक होते हैं और फल भी ब्लैक होता है। नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह वो बताएंगे। उसको कहते हैं भालू या काला आलू बुखारा, साइज़ भी अच्छा होता है और फल भी और पत्ते भी भले महसूस होते हैं। दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।